कि अगर भगवान हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि आपको मैं भगवत धाम लेके जाने के लिए अभी रेडी हूँ, आप क्या चलेंगे मेरे साथ, है ना, तो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको हम अभी निभा रहे हैं, हमारे पत्नी बच्चे पिता माता, है ना, उनको छोड़ के क्या हमें भगवत धाम जाने के लिए रेडी हो जाना चाहिए भगवान अगर हमें बोलते हैं तो, या हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ख्याल करते हुए, या फिर क्योंकि देखिए जो लोग जाना चाह रहे हैं उनका ये लॉजिक है कि भगवान बुला रहे हैं तो जाना चाहिए, जो नहीं जाना चाह रहे हैं उनका दो दो डिवीजन है, मतलब दो तरीके से बता रहे हैं, एक तो ये बोल रहे हैं कि मैं इसलिए नहीं जाना चाह रहा हूँ बिकॉज मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, अगर हम नहीं जाए तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको कौन निभाएगा, है ना, मेरे पत्नी मेरे बच्चे, है ना, तो मेरा घर इसको कौन देखेगा, तो ये आधे लोग इस रीजन से नहीं जाना चाह रहे, है ना, और आधे लोग ये कह रहे हैं कि बिकॉज ऑफ प्रीचिंग, है ना, अगर हम चले जाएंगे तो इस भौतिक जगत का क्या होगा, है ना, तो हमको यहाँ रुक के प्रचार करना चाहिए, तो ये तो अभी हम लोग फिर देखेंगे इसका आंसर। तो सबसे पहले ना मैं आपको एक भगवत गीता, मतलब जैसे ही कंफ्यूजन होता है तो हम लोग कहाँ जाते हैं, कंफ्यूजन होता है तो तुरंत हम लोग किधर जाते हैं, भगवत गीता के पास जाते हैं, है ना, तो अभी भगवत गीता के पास हम चलेंगे एंड देखते हैं कि वहां पे भगवान क्या बोल रहे हैं। तो देखिए भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि एक तो हमारा गोल ऑफ लाइफ बताएं, गोल ऑफ लाइफ भगवान ने क्रिस्टल क्लियर करा है ना, कि गोल ऑफ लाइफ है कि हम भगवान के धाम वापस रिटर्न करना, दैट इज द वेरी पर्पस ऑफ आवर लाइफ। इस भौतिक जगत में हम आए हैं हमारे कर्मों को भोगने के लिए, है ना, और अपने आप को प्यूरिफाई करने के लिए, प्यूरिफाई हमारे अंदर जो काम है, क्रोध है, लोभ है, द्वेष है ना, मद है, मोह है, तो ये सारा हमारे प्यूरिफिकेशन के लिए, अगर कोई व्यक्ति जेल में जाता है तो जेल में जाता है रिफॉर्मेशन के लिए, है ना, क्योंकि जब एक व्यक्ति इस मतलब इस संसार के लिए के लायक नहीं रहता है तो उसको जेल में भेजा जाता है रिफॉर्मेशन के लिए, है ना, तो उसका जेल में जाने का पर्पस यही होता है टू रिफॉर्म हिमसेल्फ, ताकि वो वापस से अपना नॉर्मल जो रूटीन है नॉर्मल जगह पे वो लौट सके, है ना। तो हम भगवान बताते हैं कि जो जीव है शाश्वत काल से वो भगवान के धाम में रहता है ना, और भगवान की सेवा करता है, हमारा जो धर्म है भगवान को प्रेम करना, उनकी सेवा करना है, और ये हमारा हम यहाँ आए हैं बिकॉज हमारे अंदर कई सारे अनर्था डेवलप हुए हैं जिसके कारण हम यहाँ आए, ताकि उनको प्यूरिफाई करके हम भगवान के धाम लौट सके, है ना? तो ये गोल ऑफ लाइफ बताया जाता है। तो जब अगर ये गोल ऑफ लाइफ है तो क्या हमें कर्म नहीं करना चाहिए, है ना। तो देखिए भगवान ने बहुत ध्यान से इस चीज को समझिएगा, तीन चीज है हम कोई भी कार्य करते हैं, एक होता है, एक है रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, एक है डिटैचमेंट, और एक है भगवान को सेंटर में रखना अपने गोल को समझते हुए, है ना। अभी क्या है कि जैसे मान लीजिए आपको एक प्रोजेक्ट में भेजा जा रहा है, आप एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो और आपको एक प्रोजेक्ट के लिए किसी भेजते ना क्लाइंट लोकेशन पे, क्लाइंट प्रोजेक्ट पे आप बोलते हैं कि आप जाओ वहां पे जाके काम करो, है ना, आपकी कंपनी आपको कुछ समय के लिए 3 महीने के लिए किसी जगह भेज रही है, है ना, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। अभी क्या होगा कि आप कंपनी के हो, यू आर क्रिस्टल क्लियर कि मैं कंपनी से बिलोंग करता हूँ, है ना, मैं मेरा धर्म कंपनी की सेवा करना है ना। तो अभी क्या होगा कि जब आप जाओगे, जैसे कई बार पुलिस वाले लोग भी जाते हैं, है ना, वो गुंडे लोगों में भी मिलते हैं, है ना, तो भेजती है, तो बट गवर्नमेंट को प्रेम करते हैं, है ना, और उसके साथ साथ अपना कार्य कर रहे हैं, या कोई सा भी आप एग्जाम्पल ले, सॉफ्टवेयर वाला ही एग्जाम्पल ले लीजिए, है ना, कि कंपनी आपको वहां पे भेजी। अभी क्या है कि अभी कंपनी से आपका प्रेम है, कंपनी धर्म है आपको कंपनी की सेवा करना, लेकिन चूंकि कंपनी आपको एक प्रोजेक्ट पे भेज रही है, तो जब कंपनी प्रोजेक्ट पे भेजती है तो आप कैसे काम करते हो, बहुत रिस्पॉन्सिबल होके कार्य करते हो, है ना, रिस्पॉन्स, जब तक आप उस प्रोजेक्ट में हो तब तक आप ये नहीं, मतलब पूरा जी जान लगा देते हो उस प्रोजेक्ट के लिए, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कार्य तो कर रहे हो, है ना।
बट साथ साथ क्या है कि आप आपको पता है कि ये 2-3 महीने के बाद आपको यहाँ से निकलना है ना। आप रेडी रहो नहीं रेडी रहो, कंपनी का कभी भी कॉल आके वैसे भी आपको निकाला जा सकता है ना। तो 3 महीने के बाद एनी हाउ तो आपको वहां से निकलना है। अभी क्या है कि आप अगर वहां पे अटैच हो जाते हो है ना कि अरे यार ये तो बहुत बढ़िया है, ये है, ऐसा है, वैसा है, तो देन आप कंपनी के लिए फिर कार्य नहीं कर रहे हो। तीन जब तक कंपनी के गाइडेंस में, कंपनी के डायरेक्शन में जब तक आप कार्य कर रहे हो, देन यू आर लॉयल टू द कंपनी है ना। बट और तब तक आप, जब तक कंपनी बोल रही है तब तक आप कर रहे हो, तब तक तो बहुत अच्छा है, देन यू आर रिस्पॉन्सिबल पर्सन है ना। एंड तब तक एक्सपेक्टेशन किया जाता है कि आप बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करें है ना। लेकिन उसके बाद देन आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप रिटर्न होइए है ना। एंड अगर आप वहां पे फिर आप अटैच हो जाते हो है ना कि नहीं यार ये तो बहुत अच्छा लग रहा था ये जगह, ये कंपनी है ना, अभी तो मुझे इधर ही रहना है ना, तो देन फिर क्या होगा? तो देन सर उसके बाद अभी इतने दिन समय तक तो ठीक है कंपनी बोल रही थी, बट उसके बाद तो फिर आप कंपनी के जो रूल्स रेगुलेशन है उसके हिसाब से तो उसका उल्लंघन होने लगेगा, फिर आप खुद ही परेशान होने लगोगे है ना। तो इस चीज को समझे अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में, तो देखिए यहाँ पे हम आए हैं भौतिक जगत में है ना, और हम सभी को एक एक प्रोजेक्ट दिया गया है, अपने अपने प्रोजेक्ट पे हम कार्य कर रहे हैं, तो रिस्पॉन्सिबल होना बहुत जरूरी है ना। हम कई बार क्या होता है कि डिटैचमेंट के नाम पे इररिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। दो चीज है, एक है डिटैचमेंट और एक है इररिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। दोनों में ये डिफरेंस है कि डिटैच जब हम होते हैं तो रिजल्ट से आसक्त नहीं होते हैं है ना। तो हमें हर कार्य भगवान बोलते कि विथ डिटैचमेंट करो है ना, विथ डिटैचमेंट, बिकॉज अटैचमेंट जहां होगा फिर वो दुख का कारण तो बनेगा है ना। अटैचमेंट जहां होगा दुख का कारण बनता है हमारा अटैचमेंट है ना। तो भगवान बोलते हैं कि डिटैचमेंट के साथ कार्य करो है ना, एंड डिटैचमेंट के साथ कार्य करो बट किसकी तरह, किस तरह रहो, रिस्पॉन्सिबल रहो, रिस्पॉन्सिबल, हाईली रिस्पॉन्सिबल रहो जब तक उस कार्य को कर रहे हो। जब अर्जुन फाइट कर रहे थे तो जब अर्जुन फाइट कर रहे थे तो इस तरीके से फाइट कर रहे थे कि सारे युद्ध की रिस्पॉन्सिबिलिटी जीतने की किसके ऊपर है, अर्जुन के ऊपर है। तो जब वो फाइट कर रहे थे तो इस तरीके से कर रहे थे, बट रिजल्ट उन्होंने भगवान पे छोड़ा था कि इसमें हार होती है जीत होती है वो तो भगवान का है। और ये कैसे करना है, भगवान ने बोला कि मां अनुस्मरण युद्ध च, कैसे करो, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो है ना। तो ये तीन चीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिटैचमेंट एंड भगवान का स्मरण। हर्ट भगवान बोलते हैं कि हर्ट तुम इधर उधर लगाओगे तो तुम्हारा हर्ट फुटबॉल बनेगा है ना। तुम कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो, किसी के लिए कुछ भी कर लो, अगर तुम मुझे सेंटर में रख के करो ना, मेरे लिए कर रहे हो, तो देन सर यू विल बी हैप्पी वनली। लेकिन अगर तुम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को कुछ भी कर लो, आप सोचिए नहीं, बहुत एक हम लोग कई बार इस पर डिस्कस करे भी हैं कि हम किसी व्यक्ति के लिए पूरा जीवन भी दे दें है ना, और देते भी हैं लोग है ना, भगवान को साइड कर देते हैं और हम अपना जीवन दे देते हैं, बट पूरे जीवन में क्या कोई एक व्यक्ति हमसे बोले कि हम सेटिस्फाइड है ना। एक व्यक्ति का नाम बता दे कि इस व्यक्ति से हम 100% सेटिस्फाइड है, और या हम बोल दें कि हम 100% सेटिस्फाइड है किसी व्यक्ति से, ऐसा कोई दोनों में से कोई एग्जाम्पल नहीं मिलेगा है ना। लेकिन जब भगवान को सेंटर में रखते हुए जब डिवोटीज कार्य कर रहे हैं तो फिर देखिए उनसे कितने लोग सेटिस्फाइड रहते हैं है ना। एक प्रभुपाद जी थे, कितने लाखों करोड़ों लोग को इंस्पायर कर रहे हैं, लोग जान देने के लिए, भी प्रभुपाद जी फिजिकली प्रेजेंट नहीं है बट उनके लिए जान देने के लिए रेडी है। तो क्या है कि जब हम इस तरीके से कार्य करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कार्य करेंगे बट विथ डिटैचमेंट एंड भगवान का स्मरण करते हुए, तो देन हम उस कार्य को बेस्ट तरीके से कर पाएंगे एंड हम कभी भी फ्रस्ट्रेटेड नहीं होंगे। अगर हम नॉर्मल कंडीशन की बात करें, इवन अगर फैमिली की बात कर रहे हैं है ना, कि हमारे बच्चे हमारी फैमिली है ना, आप देखिए कि अगर ये डिटैचमेंट नहीं होगा ना, तो फिर हम अल्टीमेटली हम बच्चों का भी टेक केयर कर रहे हैं, फैमिली का टेक केयर कर रहे हैं, हम अपना अगर 100% दे रहे हैं बट उनके तरफ से वो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा,
तो फिर क्या होगा, देन अगेन हम फ्रस्ट्रेटेड होंगे क्योंकि हम अटैच हो रहे हैं रिजल्ट से, है ना, कि हमें ये, हमें इस तरीके का एक्टिविटी हमने करा तो हमको ये मिलना चाहिए, है ना, अगर नहीं मिलेगा तो देन वी विल बी फ्रस्ट्रेटेड लाइक एनीथिंग, है ना। तो ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें क्या करना है, हमें अगर बच्चे फिर बड़े होके नहीं मानेंगे कहना तो भी हमको फ्रस्ट्रेशन होगा कि अरे यार मैंने इनके लिए इतना किया, इन्होंने मुझे ये मतलब मुझे रिजेक्ट कर दिया, ये कर दिया, तो हम हमेशा फ्रस्ट्रेटेड ही रहेंगे। तो नॉर्मली अगर हम भगवत धाम को भी छोड़ दे, भक्ति को भी छोड़ दे, तब भी आप देखिए कि जहां पे भी अटैचमेंट है वो मिजरीज का कारण ही बनने वाला है ना। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं तो अटैचमेंट होगा, तो अटैचमेंट कहाँ हो, अटैचमेंट भगवान से हो, है ना। तो मां स्मरण युद्ध चा, मेरा स्मरण करते हुए तुम युद्ध करो, है ना, विथ डिटैचमेंट, है ना, रिजल्ट से डिटैच करो बट हाईली रिस्पॉन्सिबल रहो अपने कार्य को करने के लिए, है ना। तो हम अगर अपने जो भी कार्य कर रहे हैं, अपनी फैमिली, अपने इन सभी को, तो भगवान ने हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो जब तक भगवान रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तब तक तो हमें हाईली रिस्पॉन्सिबल होकर कार्य करना चाहिए। बट अगर भगवान आके अगर हमें बोल रहे हैं कि भगवान अगर फाइनली बोल रहे हैं, तो हमारा अगर ये डाउट होता है, है ना, तो दो जो अगर डाउट देखे कि एक तो कि इनको फिर कौन मेंटेन करेगा, तो क्या आपको लगता है आप मेंटेन कर रहे हैं, हम सिर्फ माध्यम बन रहे हैं, मेंटेन करने वाले भगवान है। हम अपने आप को अगर किसी दिन, हमारा तो खुद पे कंट्रोल नहीं है, है ना, किसी दिन कॉन्स्टिपेशन अगर हो जाता है तो हमारी बॉडी पे तो हमारा कंट्रोल है ही नहीं, हमारे जीवन का तो छोड़ ही दीजिए, और दूसरे जीवन का कंट्रोल करना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना तो छोड़ ही दीजिए, है ना। हम सुबह सुबह आज पेट क्लियर होगा नहीं होगा उस पर भी हमारा कंट्रोल नहीं है, है ना, तो हम क्या जीवन कंट्रोल करेंगे अपना और किसी और का, है ना। तो अल्टीमेटली कंट्रोल तो भगवान ही कर रहे हैं और सबका टेक केयर भी भगवान ही कर रहे हैं, माध्यम उन्होंने हमें बनाया है तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके करना है ना। बट हम अगर ये सोचे कि इनका मेंटेनेंस कौन करेगा, तो अभी भी भगवान कर रहे हैं और बाद में भी किसी का भी मेंटेनेंस तो भगवान ही करने वाले हैं, है ना। तो मेंटेनेंस की अगर हम लोग बात करें तो वही करने वाले। दूसरा कि और हम अभी हमको माध्यम बना है भगवान ने, कभी फिर बाद में किसी और को हो सकता है माध्यम बना, बट डेफिनेटली टेक केयर तो भगवान ही करने वाले हैं, है ना। तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि नहीं मेरा तो मतलब ये चले गए तो मतलब ये इनका टेक केयर कौन करेगा, और फिर हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो फिर देखिए कि भगवान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, अभी अगर भगवान रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज कर रहे हैं तो देन फिर क्या प्रॉब्लम है। अभी मैं आपको एक दो और एग्जांपल बताता हूँ, फिर थोड़ा सा आपको और क्लियर होगा। हाँ यस विकास प्रभु जी बताइए। तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम जी। ये जो बात हो रही थी, चर्चा हो रही थी, जब प्रभु हम बोले कि आप चलिए हमारे साथ तो हम क्या करेंगे, तो ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है। अगर मतलब वैसे भी प्रभु ईश्वर तो हमको जब चाहते हैं तब बुला लेते हैं, हमको ये ऑप्शन मिलता ही नहीं है, मतलब एक सेकंड के लिए भी हमारे पास कोई SMS तक नहीं आता कि नाउ योर टिकट इज रिजर्व कंफर्म। तो वो तो एनी मोमेंट एनी स्पर ऑफ टाइम ये हो सकता है, तो उस समय तो हमको इतना सोचने का मौका ही नहीं मिलता। ये तो हम फॉर्चुनेट है कि आप हमसे पूछ रहे हैं कि आप क्या करेंगे, आपके जरिए ईश्वर पूछ रहे हैं। तो आई थिंक वी ऑल विल बी हैप्पीली अकॉम्पनी हिम, उनके साथ जाना तो मतलब सबसे बड़ा सौभाग्य कि वो कह के लेके जा रहे हैं विदाउट एनी वो, तो हमको लगता है ये हमारे मतलब फॉर्चून होगा, हमारा मतलब ये होगा ईश्वर की वो है, दया है कि हमसे पूछ के हमको लेके जा रहे हैं, इतना ही कहूंगा। बाकी तो ये तो ऑप्शन कभी मिलता ही नहीं है किसी को भी, कोई ट्रेडमिल पे दौड़ते दौड़ते चला जाता है, कभी कोई सोए सोए सोया रह जाता है, तो ये तो समथिंग आउट ऑफ वो वर्ल्ड डिस्कशन। जी प्रभु जी, यस थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो ये सेकंड पॉइंट है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं ना, एंड सेकंड पॉइंट ये है कि देखिए भगवान बुला रहे हैं तो हम उनको मना कर देंगे, है ना, बट जब यमराज बुलाएंगे तो क्या करेंगे, है ना, फिर तो जाना ही पड़ेगा, है ना। और
जैसे अभी विकास प्रभु ने बताया कि बुलाई देते हैं, है ना, कभी भी किसी का भी एसएमएस भी नहीं आता है, सीधा ही आ जाते हैं और निकल लेते हैं लोग किसी भी एज में, है ना। तो हम अगर भगवान के बुलाने से नहीं जाएंगे, फिर जब यमराज बुलाएंगे तो तब तो जाना ही पड़ेगा, है ना। तो जब तक हम हैं तब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करें, है ना। अब आता है फिर एक दो एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, एंड देन फिर फाइनली एक और ये है जिसके थ्रू हम लोग देखेंगे, एक और विजन, एक और एंगल से इसको देखेंगे। तो दो एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, आप खुद ही बताइएगा। जैसे कि एक जैसे संत तुकाराम जी का ही एग्जाम्पल अगर लिया जाए, है ना। तो संत तुकाराम के एग्जाम्पल में आप देखिए कि उनकी जो वाइफ थी, संत तुकाराम ने बोला देखो भगवत धाम से विमान आया है, है ना, अभी भगवत धाम से विमान आया है तो मैं तुमने मुझे इतना हेल्प करा तो मैं चलो तुमको भी लेके चलता हूँ, है ना, तुम चल सकती हो। लेकिन वो फिर क्या बोलते हैं, है ना, फिर वो क्या बोलती है कि ये भैंस का ख्याल कौन रखेगा, है ना, मैं तो चली जाऊंगी। तो अभी आप सोचिए, अभी जब हम ये सुनते हैं तो लगता है यार भैंस के लिए कैसे भगवत धाम छोड़ सकती है, है ना। लेकिन उनका भी अटैचमेंट हर किसी का अलग अलग से हो सकता है ना। उनका अटैचमेंट भैंस से था, उनको लगा कि अगर अभी हम अगर भैंस और फैमिली को कंपेयर करें तो मतलब आप सोचिए कि लगेगा कि अरे ये क्या कंपैरिजन है, बट उनका अटैचमेंट है। हर किसी का अलग अलग से अटैचमेंट हो सकता है, किसी का कुत्ते से होता है, किसी का बिल्ली से होता है, उनका भैंस से था, उन्होंने बोला कि मैं तो चली जाऊंगी, है ना, बट मेरी भैंस का ख्याल कौन रखेगा, है ना, मेरी भैंस अभी दूध भी नहीं देती है, है ना। तो अभी जब हम ये सुनते हैं तो हमको लगता है अरे यार उनको तो चला जाना चाहिए था, ये कौन सी बात है, भैंस के लिए वो गई नहीं, है ना। तो भैंस का तो कोई भी ख्याल रख लेता, कोई भी चारा दे देता, नहीं तो भैंस तो ऐसी घास खा लेती, है ना। तो क्या है, उसके लिए वो भगवत धाम छोड़ दी, है ना। तो इवन संत तुकाराम ग्रेटर नोएडा वेस्ट में तो रहते नहीं थे कि घास भी प्लास्टिक का हो, है ना। उधर तो जहाँ रहते थे बहुत सुंदर सुंदर घास थी, है ना, तो आराम से भैंस तो अपना पेट पाल लेती, है ना। तो तब भी उसके लिए वो सोच रही इतना और भगवत धाम छोड़ दिया, है ना। अगर वो चली जाती वहां से प्रार्थना करती तो हो सकता है भैंस भी मरने के बाद वहां चली जाती, है ना। तो एक तो ये था, दूसरा एक एग्जाम्पल मतलब एक श्रीमद् भागवतम में एक रियल स्टोरी बताई जाती है इंद्र के विषय में। ये एग्जाम्पल और हमें थोड़ा क्लैरिटी देगा कि इंद्र को ना एक बार श्राप मिल गया कि आप सुअर बन जाओ, आपका एक्टिविटी सुअर जैसा है, आप अभी सुअर बन जाओ। तो तुरंत वो इंद्र के पोस्ट से सीधे चले गए, एक सुअर की फैमिली में जन्म मिला उनको, है ना। फिर अभी इंद्र थे तो लीडरशिप क्वालिटी तो रहेगी ही, तो वहां पे जितने भी सुअर लोग थे ना उनको अपनी अपना सरदार नियुक्त कर दिया, है ना, कि आप हमारे सरदार रहोगे। तो बहुत बढ़िया रेप्यूटेशन उनके सुअरों की सोसाइटी में उनका मिला, है ना। सभी लोग उनको बहुत रेस्पेक्ट करते थे और काफी सारी पत्नी थे, बच्चे थे, है ना, और बढ़िया सा वाटर पार्क में, है ना, एसएल वर्ल्ड में रहूंगा मैं, घर नहीं जाऊंगा मैं, तो उस तरीके का एकदम बढ़िया सा ये था एसएल वर्ल्ड टाइप का सिचुएशन। तो बढ़िया जीवन बीत रहा था, है ना, एकदम कलकल बहता हुआ नाला और उसमें नाले का इतना बढ़िया बढ़िया कचरा, तो कोई खाने की कमी नहीं, पानी की कमी नहीं, है ना, फैमिली सभी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो बढ़िया जीवन चल रहा था। तो फिर इंद्रदेव, तो फिर क्या होता है कि अभी टाइम खत्म हो जाता है उनका, है ना, जितने भी पनिशमेंट था वो मिलने का ड्यूरेशन खत्म हो जाता है। तो अभी बोला जाता है कि फिर नारद जी आते हैं वहां पे, बोलते हैं कि अभी क्या है कि आपका, आप इंद्र हो और आपका ये जो आप यहाँ पनिशमेंट भोगने आए थे, अभी आपका ये पनिशमेंट का ड्यूरेशन खत्म हो गया, अभी आप चलो वहां पे जाके गद्दी संभालो, है ना, गद्दी संभालो, वहां पे आपकी बहुत हाईर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत गड़बड़ी हो रही है ना, और वहां पे हाईर इंजॉयमेंट, बहुत सारी चीजें रहेंगी, है ना। तो फिर वो बोलते हैं अरे कैसी बातें कर रहे हो, यहाँ पे इतना मेरा इम्पोर्टेंट रोल है, ये पूरा गटर मेरी कृपा से ही चल रहा है ना, आई एम वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस गटर, है ना। तो अभी अगर मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो क्या होगा इनका, है ना। तो फिर तो कितना भी नारद जी समझाते हैं फिर वो समझते ही नहीं है, फाइनली उनको मारना पड़ता है, तब जाके फिर वो वापस, तब वो जब वहां स्वर्ग में जाते हैं तब अपना सर पिटारे में क्या कर रहा था, है ना। तो आप समझ रहे हैं ना, तो इवन अगर सिर्फ स्वर्ग की भी बात करें तो भी हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हमेशा हायर धर्म है, तो देन डेफिनेटली वी हैव टू चूज, है ना। बट यहाँ पे तो अगर भगवान ही धाम बुला रहे है ना, तो वो तो हमें रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। अभी क्या है कि जैसे कई डिवोटीज का ये प्रश्न था कि फिर हम जब प्रीचिंग कर रहे हैं या उसका क्या, है ना,
तो और जैसे माता जी ने मेरे से पूछा था, तो डेफिनेटली देखिए अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना, कि सही में क्या फिर भगवान धाम तो जाना ही अच्छा है, क्योंकि अल्टीमेटली गोल तो वही है ना। अगर हम भगवान के धाम नहीं जाएंगे तो फिर यमराज हमको कहाँ लेके जाएंगे, फिर हमको स्वर्ग लेके जाएंगे, नर्क लेके जाएंगे, और इसी 84 लाख योनि में तो टपला खाते रहेंगे हम, है ना, फुटबॉल की तरह कभी इधर कभी उधर जाते रहेंगे। तो अल्टीमेट भगवान धाम जाना ही हमारा गोल है, अगर वही सीधा चले गए। जैसे कैलाश की स्टोरी बहुत सुंदर है, अग्रुनाथ कृष्ण प्रभु हमारे कैलाश बनते हैं, उसमें यही बताते हैं कि वो नारद जी एक कैलाश के पास आते हैं, कैलाश बोल रहा होता है कि हे भगवान मुझे उठा लो, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। तुरंत नारद जी आते बोलते चलो अभी तुमको डायरेक्ट फ्लाइट से लेके जाएंगे भगवत धाम। तो बोलता है अरे नहीं नहीं मेरी तो अभी शादी नहीं हुई है, बच्चे नहीं है, है ना, पहले तो शादी कर ले, जॉब कर ले, मुझे दिखाना है संसार को। फिर शादी, फिर पहले तो जॉब होता है, फिर बोलता है नारद जी एक बार शादी कर लेते हैं, फिर शादी हो जाती है, फिर बोलता है नारद जी एक बार थोड़ा बच्चे पैदा कर लेते हैं, है ना, फिर बच्चे हो जाते, बोलता है अरे अब तो बच्चे हो गए, नहीं ना अब तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या तो निभानी पड़ेगी ना, कैसे छोड़ दे। फिर बोलते हैं हाँ हाँ ये बात तो है। फिर ऐसे ही करते करते फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर बोलता है अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन निभाएगा नारद जी, मुझे तो रहना पड़ेगा ना। ऐसे करते करते वो बेचारा कैलाश फिर फाइनली मर जाता है, फिर मर जाता है, मरते मरते तक उस नारद जी की बात नहीं मानता, नहीं जाता है, फिर मर जाता है। तो चूंकि इतना आसक्त होता है तो अगला जन्म उसको कुत्ते का मिलता है ना। तो कुत्ते की योनि में भी नारद जी आते हैं, बोलते हैं कि बेटा चलो तो तुम कुत्ता बन गए, अब तो तुम चलो। तो बोलता है अरे नारद जी कैसी बात कर रही है, मेरे इतने सारे जो भाई बंधु लोग हैं, मेरे बच्चे हैं, इन्होंने इतना प्रॉपर्टी बना लिया है, बट इतने केयरलेस लोग है ना नारद जी, मैं हूँ जो रिस्पॉन्सिबल हूँ, जो इस प्रॉपर्टी का टेक केयर कर रहा हूँ, है ना, अगर मैं चला जाऊंगा तो इनका ख्याल कौन रखेगा, तो फिर तो इसीलिए मुझे यहाँ रहना पड़ेगा। नारद जी बोलते कुत्ते बन गए अभी तक तो सुधरो, बोलता है नहीं नहीं नारद जी आप समझिए मेरी बात को, आप समझ नहीं रहे, है ना। फिर बोलते चलो कोई बात नहीं है, फिर इतना आसक्त होता है कि अगले जन्म में फिर वो कुत्ता बन के मरता है तो फिर सांप बन के जन्म लेता है ना। और फिर वो तिजोरी के आसपास जो प्रॉपर्टी होती है वहां पे वो भटकता रहता है। फिर नारद जी बोलते अरे अब तो तुम सांप बन गए, अब तो चल लो। बोलता नहीं नारद जी मैं तो कंफर्टेबल हूँ, आई एम ओके, आई एम फाइन, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, यहाँ पे बढ़िया दूध वूध मिल जाता है, पी लेता हूँ, है ना, एक दो चूहे हुए मिल जाते हैं उनको खा लेता हूँ, निगल लेता हूँ, लाइफ बहुत स्मूथ चल रही है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये जो प्रॉपर्टी है इसका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा। तो फिर फाइनली नारद जी बोल देते, उनके वेश बदल के आते हैं, फिर उनके बच्चों को ही बोल देते कि बेटा एक सांप घूम रहा है तुम्हारे इलाके में, है ना, उसको मारो। फिर वही बच्चे फिर उसको मारते हैं, है ना। तो सही में ये हमारे साथ हो रहा है, कितना इसी आसक्ति के कारण हम कितना हर बताया जाता है कई बार ना, हमारे घर में ही वो बहुत अटैचमेंट के साथ अगर रहे तो फिर वही किसी पशु बन के भी हम आते हैं घर में, छिपकली बन के घर को पकड़ के रखते हैं, है ना, या कोई पशु बन के। तो रिस्पॉन्सिबल होना गलत नहीं है, अगर हम इररिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं भक्ति के नाम पे कि अरे ये दुनिया ये महफिल हमारे काम की नहीं है ना, तो अगर ये काम की नहीं है तो हम छोड़ो यार भगवान देखेंगे, नहीं, जब हम कार्य कर रहे हैं तो इस तरीके से कार्य करना चाहिए कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ही ऊपर है ना, इस तरीके से कार्य करना चाहिए। बट फाइनली जो रिजल्ट है वो हमारा तो भगवान को छोड़ना है, मतलब कि डिटैचमेंट होना चाहिए, है ना, बाकी चीजों से, और अटैचमेंट कहाँ होना चाहिए, भगवान से, है ना। तो हृदय तो भगवान के पास ही होना चाहिए। अब ये है कि क्या हम सीधा ही चले जाए, है ना, जैसे जो बाकी डिवोटीज का क्वेश्चन था कि फिर प्रीचिंग कौन करेगा, है ना, एंड ये क्या हम सीधा ही चले जाना चाहिए। तो डेफिनेटली हाईएस्ट प्रिंसिपल तो यही है ना, कि हमें इस ये अंडरस्टैंडिंग देने वाला भी कौन है, अंडरस्टैंडिंग देने वाला कि हमारा गोल ऑफ लाइफ, तो वो तो हमारे गुरु ही है ना। तो हमें हाईएस्ट प्रिंसिपल तो यही है कि हमें फिर हमारे जो गुरु हैं उनसे पूछना चाहिए कि मेरी स्थिति आपको पता है ना, और अल्टीमेटली भगवत धाम जाके वहां पे क्या करेंगे, वहां पे थोड़ी ना झूला झूलेंगे, मतलब हम बैठ के मछली पकड़ेंगे क्या करेंगे, अगर भगवत धाम में जाके करेंगे क्या, है ना, भगवत धाम जाके करेंगे भगवान की सेवा ही तो, और सेवा किसके थ्रू करेंगे, क्या हम क्वालिफाइड है, कभी नहीं, हमको कभी कभी कोई जीव अपने आप को रियली जब भक्ति करता है कभी अपने आप को क्वालिफाइड नहीं समझता है, वो हमेशा समझता है आई एम हम्बल सर्वेंट ऑफ माई गुरु, एंड वो मुझे सिखा सकते हैं, वो मुझे इंगेज कर सकते हैं सेवा में। तो भगवत धाम जाके भी सेवा करना है और यहाँ पे भी सेवा ही करना है ना। तो अल्टीमेटली सेवा में इंगेज करने वाले तो गुरु हैं,
जैसे आप देखिए कि सबरी जो थी, सबरी जब बहुत सुंदर एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एक हमारे लिए प्रस्तुत करती है एग्जाम्पल, कि जब सबरी राम जी का वेट करती है एंड राम जी को फिर क्या बोलती है पता है, बोलते मैं आपका वेट कर रही थी है ना, और अभी आप आ गए हो तो अभी मैं निश्चिंत होके कहाँ जा सकती हूँ पता है क्या बोलती है, बोलती है अभी मैं अपने गुरु के पास जाना, जाके उनको आपकी सेवाओं में असिस्ट करना चाहती हूँ। सोचिए क्या मतलब ये है कि मैं अभी कहाँ जाना चाहती हूँ, अभी भगवान राम स्वयं खड़े, उनको पता है ये स्वयं राम है और ये खड़े हैं है ना, कुछ भी मांग सकती हूँ, कुछ भी बोल सकती हूँ, बट क्या बोलती है कि भगवान अभी मुझे, मेरे गुरु ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी आपका वेट करने के लिए, तो मैं आपका वेट कर रही थी, अभी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई, अभी मैं अपने गुरु के पास जाके उनको आपकी सेवाओं में असिस्ट करना चाहती हूँ है ना। तो ये जो भाव है ये हमारा होना चाहिए है ना, कि हम यहाँ पे भी गुरु के थ्रू इंगेज है, वहां पे भी इंगेज है ना, तो वो क्या चाहते हैं अभी हमसे है ना, किस तरीके से हम इंगेज करना चाहते हैं है ना, तो वो हमें उनसे पूछना चाहिए। एंड वो अगर बोलते हैं कि ठीक है अभी वहां जाके आप उधर जो सेवा है उधर संभालो या यहाँ सेवा है, तो देन हम जिधर बोलेंगे उधर संभाल लेंगे सेवा। तो अभी यहाँ पर प्रश्न आता है कि फिर गुरु पे इतना फेथ कैसे हम डेवलप कर सकते हैं है ना, एक्सप्लॉइट तो हो सकते हैं है ना, गुरु हो सकता है एक्सप्लॉइट कर दे, बोले अरे यार ये तो मुझे तो भगवान ने बुलाया नहीं, इसको बुला दिया है ना, तो इसको तो यही रख दो, छल से आ सकता है ये मन में, तो हम कैसे माने है ना कि सच में। तो सबसे पहले तो यही है कि देखिए, और गुरु हो सकता है कि शुद्ध भक्त नहीं हो है ना, अभी क्या है कि हमें शुद्ध भक्ति करना है बट हम शुद्ध भक्त तो है नहीं, फिर हम शुद्ध भक्ति कैसे प्रैक्टिस करेंगे, तो हम एक शुद्ध भक्त का शेल्टर लें, बट हम जिस शुद्ध भक्त का हम सोचते हैं, जैसे कि हमारे जिन जो गुरु है, शिक्षा गुरु है ना, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु जो भी है, हम उनका शेल्टर लेके कार्य करना चाहते हैं, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि वही शुद्ध भक्त नहीं हो है ना, तो फिर हम उनका शेल्टर ले, फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर ये देख सकते हैं हम कि हमारे गुरु हो सकता है वो शुद्ध भक्त है कि नहीं है पता नहीं है, बट उन्होंने जिसका शेल्टर लिया है क्या वो शुद्ध भक्त है ना, तो अगर वो शुद्ध भक्त है तो देन अगेन हम शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि हमने जिनका शेल्टर लिया है वो तो अपने हिसाब से कार्य नहीं कर रहे हैं ना, वो तो अंडर गाइडेंस ऑफ अ शुद्ध भक्त कार्य कर रहे हैं, तो फिर अल्टीमेटली वो हमारी भी भक्ति तो शुद्ध भक्ति हो जाएगी है ना। तो अगर हम किसी एक बोनाफाइड ऑथेंटिक संप्रदाय में जो गुरु आ रहे हैं, जो कि ऑथेंटिक ऑथराइज्ड है अपने गुरु से है ना, इस तरीके से, तो देन फिर हम शेल्टर ले सकते हैं है ना। बट अगेन एक चीज आती है कि सरेंडर तो करना है ना, बट सरेंडर विथ इंटेलिजेंस, नॉट सरेंडर इंटेलिजेंस है ना। तो हमें हमेशा अगेन बताया जाता है कि सर हम क्या करना है, गुरु साधु शास्त्र तीनों चीज इंपॉर्टेंट है। जैसे बलि महाराज के जो गुरु थे उन्होंने बोला विष्णु को छोड़ दो, ये विष्णु आया है बलि, ये वामन देव का रूप लेके, इसको तुम कुछ मत दो, तो फिर उन्होंने फिर अपने गुरु को रिजेक्ट कर दिया है ना। तो अगर तो ये भी चीज समझना है क्योंकि गुरु साधु शास्त्र ये तीनों पैरेलल लाइन होने चाहिए। जो गुरु बोल रहे हैं ऐसा नहीं कि फिर ब्लाइंडली गुरु बोल रहे हैं तो गुरु ही एकदम भगवान है और बीच में कोई नहीं आएगा, कोई शास्त्र नहीं, ये नहीं, वो नहीं, नहीं नहीं नहीं, गुरु इज जस्ट अ सर्वेंट है ना। अल्टीमेटली वो जो बोल रहे हैं दैट शुड बी इन लाइन विद द शास्त्र एंड साधु, साधु मतलब उसी डिसिप्लिन सक्सेशन में जो उनके गुरु के गुरु है उनके लाइन में होने चाहिए है ना। तो सरेंडर विथ इंटेलिजेंस है ना, बट नॉट सरेंडर इंटेलिजेंस, अगर इस तरीके से हम कर रहे हैं तो देन सर कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो फिर हम अल्टीमेटली भगवान की सेवा ही करेंगे, चाहे यहाँ करें चाहे वहां करें है ना। तो आई होप ये सभी को क्लियर होगा है ना कि किस तरीके से हमें कार्य करना है ना। तो और हम अगर इस लेवल की भक्ति कर रहे हैं है ना, अगर हम इस लेवल की सच में भक्ति कर रहे, देखिए आइडियली तो जैसे जब हम शुद्ध भक्ति के स्टेज पे आते हैं, एकदम शुद्ध भक्ति करने लगेंगे तो सच में यही भाव आएगा है ना कि भगवान मतलब हम तो सही में मेरा मतलब जितना भी पेन है हमको दे दीजिए। और लेकिन ये कब भाव आता है, जब हमारा कंपैशन, हम जब शुद्ध भक्ति करते हैं ना तो कंपैशन इतना बढ़ जाता है ना, इतना कंपैशन बढ़ जाता है। प्रहलाद महाराज इन लोगों का देखिए इतना हाई कंपैशन था कि इनको
इनको वो बिल्कुल रेडी थे कि ये पेन जो है ना, उनको जो कष्ट पीटने से, मारने से, चाकू डालने से, उनसे जो कष्ट होता है ना, उससे ज्यादा कष्ट उनको बाकी जीवात्मा के कष्ट से हो रहा था, है ना। तो वो उनका स्टेज था, है ना। बट हमारे केस में हमारा क्या वो स्टेज है? हम तो अपने कर्मा से कभी कभी हाथ खड़ा कर देते हैं, भगवान आप है भी नहीं है, है ना। तो हम वैसा बोल पाएंगे क्या, है ना। तो हम तो अभी क्या बन रहे हैं, हम तो अभी सच में हमारा, हम तो कंपैशन भी, हमारा तो कंपैशन भी बोरोड है। अगर मैं खुद की बात करूं तो मैं जब देखता हूँ प्रभुपाद जी का, जब मैं देखता हूँ तो क्या कंपैशनेट थे इतना, तो उनके कंपैशन को देख के हमारे हृदय में कंपैशन डेवलप होता है, है ना। उनके कंपैशन को देख के वो इंस्पिरेशन है ना। कई बार मैं देखता हूँ बाकी जो गुरु है, आप प्रेजेंट आचार्य, जैसे मैंने बताया कई बार जपता का स्वामी महाराज पैरालाइज्ड है ना, बट उस स्थिति में भी इतना, डॉक्टर बोलता है बिल्कुल ट्रैवल मत करो, बट इतना ट्रैवल कर रहे हैं, है ना, ताकि भगवान का ग्लोरी स्प्रेड हो, है ना। परमपूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी, इनको इतना एज है बट स्टिल इतना ट्रैवल, पैदल इतना संकीर्तन, बड़े सारे जो जो भी आचार्य की हम लोग बात करें, तो उनके कंपैशन को देख के, उनका उनका एफर्ट्स को देख के फिर लगता है कि हमें भी कुछ तो करना चाहिए, है ना। वेदान चेतन प्रभु जी को मैं देखता हूँ कि वो इतना पेन ले रहे, तो मुझे लगता है मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो डेफिनेटली हमारा तो टोटली बोरोड कंपैशन एंड ये है, तो हमें तो डेफिनेटली पूछना ही चाहिए, है ना। प्रियंकी माता जी बोल रही है कि डिसीजन भगवान का है तो उनके हिसाब से चलना होगा, बिकॉज हर चीज सृष्टि सृष्टि एंड सृष्टि में डिसाइडेड है। यस, वैसे भी ऐसी अपॉर्चुनिटी तो रेयर है, किसी शुद्ध भक्त को ही मिलती है। यस माता जी, मोनिका माता जी बोल रही है प्रभु जी वो भी, वो तो बाई चॉइस नहीं है, बाई चॉइस हमें जाना है, यमराज तो बाई चॉइस नहीं लेके जाते हैं, वो तो ले जाते हैं। हाँ तो ठीक है। हाँ, पंकज कुमार सिंह प्रभु। यस प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु। प्रभु जी वो जो सवाल था कि अगर श्री कृष्ण जी आएंगे और कहेंगे चलो, तो मतलब कोई कह रहे हैं प्रभु जी के चले जाएंगे, कोई कह रहे नहीं मुझे यहीं रह के बच्चों और पत्नी के साथ सेवा करनी है आपकी, इस सवाल का जो है जवाब आपसे चाहते हैं। मैंने कल बताया ना प्रभु कि अगर मेरे से तो पूछेंगे तो मतलब ये क्या हुआ कि मोनिका माता जी ने मेरे से पूछा था उस दिन, तो मैं भी बिल्कुल अचानक से माता जी ने पूछा, तो मैं भी मतलब प्रिपेयर्ड नहीं था इस प्रश्न के लिए, बट वो नेचुरली ही यही निकला कि मैं फिर वेदान चेतन प्रभु जी से पूछ के ही बता पाऊंगा। तो क्योंकि अल्टीमेटली जैसे प्रभु जी, वेदान चेतन प्रभु के रिस्पेक्ट में जो भी चीजें मैंने इतने समय से प्रभु जी को ऑब्जर्व करा है, समझा है एंड जितना भी मैंने पढ़ा है, मैं देखता हूँ कि प्रभु जी बिल्कुल इन लाइन है शास्त्रों के, इन लाइन विद है अपने गुरु के और गुरु शिष्य परंपरा के। तो मुझे लगता है आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि ऐसे एक डिवोटी, ऐसे एक भक्त का मुझे एसोसिएशन और गाइडेंस मिल रहा है जो कि बिल्कुल इन लाइन है जो गुरु साधु शास्त्र के, अपने गुरु और डिसिप्लिन सक्सेशन में जो आ रहे हैं और शास्त्र। तो मुझे मुझे खुद ही नहीं पता प्रभु कि मेरे लिए बेहतर क्या है ना, मेरी मेरी भक्ति के लिए और मेरी सेवा के लिए। और मुझे ये भी नहीं लगता है कि मैं भगवान की सेवा ही कर सकता हूँ, चाहे आध्यात्मिक जगत में चाहे इस जगत में, है ना। तो मुझे ये नहीं पता प्रभु, मैं तो बस इतना है कि हाँ मुझे ये पता है कि हाँ वेदान चेतन प्रभु ही जेन्युइनली सर्विंग, जेन्युइनली वो प्रभुपाद को, गुरु को, कृष्ण को सर्व कर रहे हैं। तो समहाउ और अदर अगर मैं वेदान चेतन प्रभु को असिस्ट कर पाऊं उनकी सेवाओं में, तो यही मेरे लिए, तो यही मेरा पर्पस सॉल्व है प्रभु जी। इससे ज्यादा का तो मेरा मतलब कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है आध्यात्म, मतलब और ना मुझे लगता है किसी भी चीज के लिए मैं क्वालिफाइड हूँ। ये तो प्रभु जी की कृपा से थोड़ा बहुत प्रभु जी मुझे इंगेज कर रहे हैं सेवाओं में, तो दैट इज इनफ फॉर मी, है ना। और मैं जो सेवाओं कर भी रहा हूँ, चाहे जो प्रीचिंग है, ये है वो है, तो जेन्युइनली प्रभु ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं आउट ऑफ कंपैशन कर रहा हूँ और मेरे अंदर बहुत कंपैशन है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। मैं तो बस ये देखता हूँ कि जो बाकी भक्त हैं, प्रभुपाद हैं, वेदान चेतन प्रभु हैं, गुरु शिष्य परंपरा में जो डिवोटीज हैं, आचार्यज हैं बाकी, उन सभी का क्या कंपैशन है, है ना। उनके कंपैशन को देख के लगता है कि अगर मैं भी उन्हीं के कंपैशन के कारण मैं भी भक्ति में आया, नहीं तो मैं ही नहीं आ पाता, तो अगर नहीं आता तो मैं क्या कर रहा होता, है ना। तो फिर ये जब मैं सोचता हूँ ना कि
तो मुझे लगता है कि नहीं कितना इम्पोर्टेंट है। अगर मैं सोचता हूँ तो मैं कि अगर मैं भक्ति में नहीं होता तो क्या कर रहा होता, तो मुझे तो मैं डर जाता हूँ कि एकदम कैसा नाली के कीड़े वाली स्थिति थी मेरी, एंड कैसे कितनी बड़ी अहत की कॉजलेस मर्सी, कोई भी रीजन नहीं था मर्सी देने का, बट कैसे उन जो हमारे आचार्यज हैं वेदांत चंद्र प्रभु, इन लोगों ने कैसे कॉजलेस मर्सी से मुझे वहाँ नाले से उठा के रखा है यहाँ पे, है ना, और ऐसी सेवा में एंगेज कर रहे हैं जिसके लिए मैं बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं हूँ, है ना। बट ये सेवा भी मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि प्रभु जी की इच्छा है, तो प्रभु जी की इच्छा है तो अगर समहाउ और अदर मैं प्रभु जी को हेल्प कर पाऊँ उनकी सेवाओं में, यही सोच के मैं कर रहा हूँ। और दूसरा यही है कि ये जो सेवाएं है करते करते मुझे यही फील होता है कि मेरा प्यूरिफिकेशन हो रहा है ना, मैं खुद के शुद्धिकरण के लिए कर रहा हूँ। मैं आज ही डिवोटी को बता रहा था कि इतने सुंदर क्वेश्चंस आप लोग सभी पूछते हैं एंड इतना सिंसियरली करते हैं, सुबह में इतना दीप्ति, जैसे दीप्ति माता जी इतने सुबह सुबह बिल्कुल टाइमली चैंटिंग सेशन ऑन कर देती है और एकदम सिंसियरली बाकी डिवोटीज ज्वाइन करते, इतना टाइमली, फिर इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन उनका आते जी कल, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई सारे डिवोटीज क्वेश्चन पूछते हैं, कई सारे रियलाइजेशन आप लोग शेयर करते हैं, तो मैं खुद ही सीख के मेरा खुद का ही प्यूरिफिकेशन हो रहा है ना। कई बार मैं थोड़ा आलसी भी होता हूँ तो फिर मैं देखता हूँ कि नहीं नहीं अरे आप लोग इतने अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, इतना अच्छा प्रयास कर रहे हैं, तो मुझे थोड़ा तो करना चाहिए बोल के मैं फिर थोड़ा सा अपने आप को पुश करता हूँ। तो ये तो जो भी मैं कर रहा हूँ तो इसी के लिए, मतलब खुद के प्यूरिफिकेशन और प्रभु जी को असिस्ट करने के लिए। तो मेरे हिसाब से तो भगवत धाम जाना, भगवान वहां पे भी जाके डिससर्विस ही होगा, बट हाँ प्रभु जी जैसे अभी इंगेज करके रखे हैं वैसे आगे भी करके रखे, यही मेरा मतलब है बस प्रभु, है ना, क्योंकि वो मैं फील कर रहा हूँ प्रभु जी को असिस्ट करने से मेरी मेरा प्यूरिफिकेशन हो रहा है, जो भी वो सेवाएं दे रहे हैं, मेरी आध्यात्मिक प्रगति हो रही है, वो जो सेटिस्फेक्शन वो ब्लिस है मैं फील कर पा रहा हूँ, तो आगे भी फिर उसी उसी लाइन में ही सेवा करते रहना है, है ना। ठीक है पंकज भाई, हरे कृष्ण हरे कृष्ण।